नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कमाते बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो रही, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ उपाय जिन्हें आप धनतेरस पे करके रूठी हुई लक्ष्मी को मना सकते हैं। पहला उपाय, धनतेरस के दिन धन का अपव्यय न करें, लेकिन आवश्यकता के अनुसार धन खर्च कर सकते हैं। इस दिन आप खरीदारी भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, धनतेरस के दिन दोपहर के समय धातु के बर्तन या फिर सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। माना जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। तीसरा उपाय, धनतेरस के दिन अपने पूरे घर में दीपक जलाएं, इससे माता प्रसन्न होती हैं। चौथा उपाय, इस दिन शाम के समय पूजा स्थल में लाल रंग के कपड़े पर कुबेर और लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें, इसके साथ कुबेर यंत्र भी रखें। इसके बाद रोली, चावल, मोली, धूप, दीपक, फूल, फल आदि से पूजन करें। पांचवा उपाय, धनतेरस और दीपावली के दिन आप गाय माता के लिए भोजन जरूर निकालें और इसका सबसे पहले भोग भी गाय माता को ही लगवाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य परिवर्तित होता है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। छठा उपाय, धनतेरस के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, कपड़ा, आटा आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सातवां उपाय, इस दिन किसी को भी धन उधार ना दे और ना ही उधार ले। धनतेरस हिंदू त्योहारों में अधिक महत्व रखता है। इस दिन लोग नई चीजें खरीदकर अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही इस दिन गणेश और लक्ष्मी भी घर लाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी धनतेरस के दिन इन उपायों को अपनाएं और लक्ष्मी को प्रसन्न करके मालामाल बन जाएं। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।